व्यूअर्स, मेरा नाम फतेह मलिया है और मैं मैक्सिमम इंटरनेशनल की जानिब से आपके लिए लेके आया हूँ एक और नई प्रोडक्ट की इंफॉर्मेटिव वीडियो, जो कि है Maxxam-V 330 थर्मल प्रिंटर, रिसीव प्रिंटर। तो ये रिसीव प्रिंटर ये आप देख सकते हैं कि पहले तो हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे ताकि आपको पता लगे इसमें आपको बॉक्स में क्या क्या अवेलेबल है। सबसे पहले तो हमें इसकी गाइड मिलेगी, सेकंड इसमें इसका अडॉप्टर मिलेगा जो कि 24 वोल्ट 2.5 एम्पीयर का है और ये 65 वाट्स का है, ये यानी कि आप यूपीएस पे इसको इजीली यूज कर सकते हैं। लेकिन यूपीएस जो है वो साइन में हम रिकमेंड करते हैं कि आप साइन में यूपीएस पे लगाएं। ये इसकी एक पावर केबल आपको मिल जाएगी, यूएसबी केबल मिल जाएगी, इसमें एक सैंपल रोल मिल जाएगा थर्मल रोल जो यानी कि आप इस पर टेस्टिंग वगैरह कर सकते हैं। तो ये प्रिंटर में आपको फ्रंट पे एक फीड का बटन मिल जाएगा, प्लस एलईडीज मिल जाएंगी, इंडिकेशन जो है पावर ऑन की इंडिकेशन की लाइट मिल जाएगी, साइड पे आपको इसका पावर ऑन ऑफ का बटन मिल जाएगा, इस साइड पे इसका जो हेड ओपन करने के लिए है पावर ऑन करने के लिए ये बटन आपको मिल जाएगा, बैक साइड पे आपको बीपर मिल जाएगा जो काफ़ी लाउड है, और इसमें जो पोर्ट्स अवेलेबल हैं वो एक पावर पोर्ट है, एक एसडीआर की पोर्ट अवेलेबल है, एक इसमें लैन की पोर्ट अवेलेबल है, यूएसबी पोर्ट अवेलेबल है। प्रिंट हेड की इसकी लाइफ जो है वो 150 किलोमीटर है और इसमें ऑटो कटर भी है जिसकी लाइफ 1 मिलियन है, और जो प्लास्टिक मटेरियल आप दें काफी ड्यूरेबल है, और इसमें जो 80 मीटर का हेड लग सकता है यानी कि 3 इंच बाय 80 मीटर का मैक्सिमम इसमें रोल लगा सकते हैं। तो मैं आपको इसका टेस्ट प्रिंट लेके दिखाता हूँ, इसका रिजल्ट दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले तो हमने इसमें ये जो सैंपल रोल है ये रुला दिया और इसको क्लोज कर दिए। आपने एक चीज नोट कर लेनी है कि आप इस तरह नेल मारेंगे तो जिस साइड पे पेपर में इंक होगी, थर्मल पेपर जो इसमें यूज होता है इसके अंदर इंक होती है, तो जिस साइड पे इंक होगी उस साइड पे ये इस तरह ब्लैक लाइन आ जाएगी, अगर आप दूसरी साइड पर उल्टी साइड पर लगाएंगे तो ये ब्लैक ही रहेगा, इस पर लाइन नहीं बनेगी। तो जो लाइन वाली साइड है उसको आपने प्रिंट हेड वाली साइड पर रखना है। अभी हम इसको पावर देंगे, अब आप जिस तरह देख सकते हैं कि इसके यहाँ पे फ्रंट पे लाइट ऑन हो गई है पावर की, और अगर हमने इसका सेल्फ टेस्ट प्रिंट देना है तो उसके लिए जस्ट हमें ये करना पड़ेगा कि प्रिंटर को आपने साइड से ऑफ करना है, फ्रंट पे फीड के बटन को आपने प्रेस करना है और पावर का बटन ऑन कर देना है, फीड का बटन आपने नहीं छोड़ना, तो सेकेंड आपने प्रेस करके रखना है। तो आप ये देख रहे हैं इसमें इसका टेस्ट प्रिंट आ गया, और ये आप नीचे देख सकते हैं कि ये ऑटो हट भी हुआ, और ये रिजल्ट आप देख सकते हैं काफी अच्छा रिजल्ट है। ड्राइवर्स जो है वो आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे, मैं आपको जो इसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, जिसमें इसका ब्रोशर और इसके ड्राइवर अवेलेबल होंगे। और मज़ीद तो हमारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए, हमारे प्रोडक्ट्स देखने के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे भी क्लिक करें, और मज़ीद हमारी आप प्रोडक्ट्स देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, वो भी हम लिंक में डिस्क्रिप्शन में आप को ऐड कर देंगे। अस्सलाम वालेकुम।